हेलो सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके बोर्ड लेवल का है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे तभी आपको यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद होगा, नहीं तो नहीं याद कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना, और साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और लास्ट तक मेरे वीडियो को देखने के बाद मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूं। तो आपका क्वेश्चन नंबर एक यहाँ पर है, किसमें एससीपी क्रिस्टल संरचना होती है, किसमें एससीपी क्रिस्टल संरचना होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, जिंक, यानी कि ZN। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी ठोस जालक में धनायन जालक एसल छोड़कर एक अंतराकाशीय स्थिति में स्थित है, यह जालक दोष है। ये तो सबको मालूम होगा, आप पढ़े होंगे, फ्रेंकल दोष इसका नाम है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, योगाद्र संख्या सबको मालूम होगा, 6.023 × 10³23। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 6.023 × 10³23। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 22.4 लीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 22.4 लीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है। आप लोग फैराडे का विद्युत अपघटन के नियम पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे तो इसका सही आंसर आप दे सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। इसका सही आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, CrO2। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो। तो इसमें आपको देखना होगा कौन सा आंसर होगा, देखिए इसका कौन सा आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, समस्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान होता है, यानी कि आवर्त काल का मान होता है। तो ये तो सबको मालूम होगा, ये आपके बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, 0.693/k। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आपको यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर में क्या दिया है यहाँ पर, जिलेटिन में। इसका सही आंसर क्या होगा? जिलेटिन में ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। कुहरा निम्न में किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, द्रव का गैस में विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपपट्टी में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, Fe। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर Fe। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। ये इसका द्वितीय स्थान में, मेटल में इसका द्वितीय स्थान है, जबकि एल्युमिनियम का पहला स्थान है। इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। अगर एल्युमिनियम नहीं दिया होगा तब आपको टिक लगाना होगा Fe, यानी कि लोहा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर में, CuFeS2 इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 13 नंबर में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर B2O2, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा हाइड्रोजन बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, निम्न में कौन सा हाइड्रोजन बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, H2O, देखिए इसमें H2O कौन सा है, इसमें H2O डी नंबर में है, यही सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर में, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है, सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है, तो इसको निकालना पड़ेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा चार नंबर, चार, इसका सही आंसर हो जाएगा चार नंबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन प्रथम श्रेणी से संबंधित नहीं है, कौन प्रथम श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ए जी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, संक्रमण धातुओं का मुख्य लक्षण है, संक्रमण धातुओं का मुख्य लक्षण है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, कौन अधिकतम अयुग्मी इलेक्ट्रॉन वाला होता है, कौन अधिक अयुग्मी इलेक्ट्रॉन वाला होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर लोहा यानी कि Fe। दोस्तों ये है आपका आज का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं जब भी ऐसा वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्ट वीडियो लाते रहता हूं।